पिछले 6 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सीबीआई जांच की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे पीरदान के समर्थन में युवा कांग्रेस और शहर के विभिन्न कॉलेजेस के छात्र संघ भी उतर आए हैं। गुरुवार को राजकीय सावित्री कन्या महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय सहित युवा कांग्रेसी भी धरने में शामिल हुए। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष लोकेश शर्मा ने बताया कि पीरदान की पत्नी के अनशन के दौरान तबियत बिगड़ गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं आया। ये शर्म की बात है। पीरदान की 2 बेटियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे उनके भविष्य दांव पर लगे हुए हैं। यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो युवा कांग्रेस सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। साथ ही एनएसयूआई और एबीवीपी से जुड़े छात्र छात्राएं भी पीरदान के समर्थन में उतर आए हैं। आज ये है, कल हम लोग हो सकते हैं। मैं पूरे अजमेर की जनता से, राजस्थान से अपील करना चाहता हूं, कृपया करके इस केस के ऊपर विशेष ध्यान देवे, देखे क्या ये परिवार वाकई में चोर है या चोर वो लोग हैं जिन लोगों ने इनको इतना प्रताड़ित कर दिया, जो इतने दिनों से आज तक ये रोड पे बैठ के हड़ताल कर रहे हैं। मोदी जी के पास जाया है, वसुंधरा जी के पास जाया है, किस नेता के पास इन्होंने देवरे नींद धोके मजिस्ट्रेट के झाड़ू लगा दी, नगर निगम में झाड़ू लगा दी, नगर पालिका में झाड़ू लगा दी, कोर्ट के अंदर झाड़ू लगा दी, तो क्या ये लोग चोर हैं? अगर ये न्याय इस परिवार को नहीं मिला तो अजमेर का युवा चुप नहीं बैठेगा और बहुत जल्दी सड़कों के ऊपर आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। इनके न्याय के लिए हम लोग हमारा खून बहा देंगे। आज मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज जो इनके परिवार के साथ हो रहा है वो एक दिन कभी आपके साथ हुआ तो फिर आप लोग क्या करोगे? मैं देवेंद्र सिंह जाधवन बोलना चाहता हूँ कि हम कल से हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे और पीरदान जी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपना खून ही क्यों ना बहाना पड़े। हम सारे छात्र संगठन मिलकर छात्रों से अगुवाई करेंगे, आग्रह करेंगे और सबको एकजुट करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं उठेंगे और ना हिलेंगे यहाँ से।